श्री कृष्ण, आज हम अंकुरित मूंग बनाएंगे। तो ये देखिए, तो ऐसे होते हैं अंकुरित मूंग। देखिए कितने अच्छे हैं। अर्चिका, आज क्या बना रहे हो? आज हम अंकुरित मूंग बनाएंगे। ऐसे ये मम्मी की मदद से। इसके क्या फायदे हैं? हम इसके फायदे भी बताएंगे। क्या क्या फायदे होते हैं? साबुत मूंग के अंकुर बनाकर अंकुरित मूंग बनाए जाते हैं। मूंग को अंकुरित करने के लिए पहले मूंग को साफ कर धो लें और 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। 6 से 8 घंटे बाद में गीले सूती कपड़े, कॉटन के कपड़े में लपेटकर 10 से 12 घंटे के लिए लटका दें। कपड़ा सूखने पर पानी छिड़कते रहें। छोटे अंकुर आने पर यह खाने के लिए तैयार होते हैं। यह अंकुरित मूंग फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और अमीनो एसिड से भरपूर होते हैं, इसीलिए ये एक पौष्टिक भोजन है। हमारे लिए यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इनमें कैलोरी की मात्रा कम होती है, साथ ही इनमें फाइबर, एनजाइम, प्रोटीन, अन्य माइक्रो न्यूट्रिशन भरपूर होते हैं। अंकुर मूंग बनाना बहुत ही आसान होता है। इन्हें सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। अनाजों में सबसे पौष्टिक मूंग होता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी और ई की भरपूर मात्रा होती है। साथ ही पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम की मात्रा भी मूंग में बहुत होती है। इसके सेवन से शरीर में कैलोरी भी बहुत नहीं बढ़ती है। अगर अंकुरित मूंग दाल खाएं तो शरीर में कुल 30 कैलोरी और 1 ग्राम फैट ही पहुंचता है। स्प्राउट खाने के बढ़िया स्वास्थ्य लाभ। अंकुरित मूंग में मैग्नीशियम, कॉपर, फोलेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन बी 6, नियासिन, थायमिन और प्रोटीन होता है। मूंग की दाल के स्प्राउट्स ऐसे ही कुछ लाभकारी गुण निम्न प्रकार के हैं। मूंग की दाल के स्प्राउट में ग्लूकोज लेवल बहुत कम होता है, इस वजह से मधुमेह रोगी से खा सकते हैं। मूंग के स्प्राउट में ओलियो सैचराइड्स होता है, जो पॉलीफिनॉल से आता है। ये दोनों की घटक गंभीर रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रबल करते हैं। कैंसर के रोगी भी इसका सेवन आराम से कर सकते हैं। मूंग में ऐसे गुण होते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं और उसे बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। मूंग के स्प्राउट में शरीर के टॉक्सिक को निकालने के गुण होते हैं। इसके सेवन से शरीर में विषाक्त तत्वों में कमी आती है। मूंग के स्प्राउट के सेवन से पाचन क्रिया हमेशा सही बनी रहती है, जिसके कारण पेट संबंधी समस्या नहीं होती है। मूंग के स्प्राउट में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जिससे फ्रेश होने में कोई समस्या नहीं होती है व पाचन क्रिया दुरुस्त बनी रहती है। इससे कब्ज से राहत दिलाती है, कब्ज नहीं होती है, पेट साफ रहता है। मूंग के स्प्राउट में पेप्सिटाइड होता है, जो बीपी को संतुलित बनाए रखता है और शरीर को फिट बनाए रखने में कारगर होता है। मूंग के स्प्राउट का सेवन करने से शरीर में आवश्यक तत्वों की कमी करता है और शरीर को मजबूत बनाता है। इससे बेहतर खा ये सुपाच्य भी होता है।
बच्चे बड़े सब इसका सेवन कर सकते हैं। यह सबके लिए फायदेमंद होता है। ये थी हमारे अंकुरित मूंगों की जानकारी जो हर्षिका ने हमें दी है। ये बहुत ही सेहतमंद और फायदेमंद है। अब हम आपको बताएंगे मूंग को अंकुरित कैसे करते हैं, इसकी संपूर्ण विधि आपको बताएंगे। मूंगों को अंकुरित करने के लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी मूंग लिए हैं और हमने यहाँ पे एक भगोना लिया है, उसे हम भगोने में डाल देंगे मूंगों को। और अब हम इस पे पानी डाल देंगे। पानी डाल के हमें इसे 6 घंटे के लिए रख देना है। ऐसे तो ओवरनाइट या फिर ओवरडे रखते हैं, लेकिन अभी जुलाई का महीना चल रहा है तो हम इसे सिर्फ 6 घंटे के लिए रखेंगे। जून से लेके अगस्त के महीने तक मूंग जल्दी अंकुरित होते हैं। भगोने में हमें फुल पानी डाल देना है, जिससे ये अंकुरित हो तो इनमें पानी कम नहीं पड़े। अब हम इसे 6 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। 6 आवर्स हो गए हैं, 6 घंटे हो गए। देखिए अच्छे से फूल गए हैं। जो हमने 6 घंटे पहले मूंग भिगोए थे, ये अच्छे से फूल गए हैं। अंकुरित होने के बाद ये और भी ज़्यादा फूल जाएंगे। अंकुरित होने के बाद मूंग और भी टेस्टी हो जाएंगे। अब इसको 2 पानी से धो लेंगे। हमने मूंग धो लिया। अब हमें एक कपड़ा लेना है, गीला करना है पहले उसे। अब हम इसमें मूंग डालेंगे। अब हम इसमें डाल देना है मूंग। अब हम इसमें इसे बांध कर कहीं लटका देना है, धूप में भी नहीं रखना है और जहाँ हवा ना लगे वहाँ पे भी नहीं रखना है। जहाँ पे धूप कम आती हो वहाँ पे रखना है, जहाँ धूप भी ना हो और हवा भी लगे वहाँ पे रखेंगे। अब बीच बीच में चेक करते रहना है कि पोटली सूख जाए तो उस पर पानी और छिड़क देना है। हमने इसे पोटली में बांध दिया है। अंकुरित किए हुए मूंग को 10 से 12 घंटे बाद इस्तेमाल कर लेना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं ये। अब हम इसको कहीं लटका के रख देंगे। ये देखिए, ये अंकुर मूंग अंकुरित हो गए हैं। देखिए इनके अंकुर बाहर भी निकल गए हैं। यह देखिए, अंकुर बाहर भी निकल गए हैं पोटली में से। मूंग कितने अच्छे अंकुरित हो गए हैं। मूंग को गुजराती में मग कहा जाता है और इंग्लिश में मूंग बीन्स बोलते हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसे मूंग को हम ऐसे भी खा सकते हैं और काला नमक या सेंधा नमक के साथ भी खा सकते हैं या साधारण नमक के साथ। और इसमें नींबू का रस मिला लेते हैं तो खट्टा मीठा स्वाद आ जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। काला नमक और सेंधा नमक बहुत हेल्दी होता है, इसलिए ज़्यादातर काला नमक और सेंधा नमक ही यूज़ करना चाहिए। देखिए कितने अच्छे मूंग अंकुरित हुए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो में कमेंट करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा।